Dear students, जैसे कि मैंने previous lecture में ellipse की theory को explain किया totally कि किस किस में से question बनाए जा सकते हैं entry test में या different competition exams या board exams में, तो अब मैं उसी से related different question जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जा सकते हैं उनको explain करूँगा। आपको कोई भी ellipse की equation दी जा सकती है, आप सबसे पहले उसको standard form में convert करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने जो इलेक्ट में फोकस करना है वो ए बी और सी की वैल्यू पर फोकस करना है। आपने उसकी वैल्यू ए निकालनी है, ए का मतलब सेमी मेजर एक्सेस, वैल्यू बी निकालनी है सेमी माइनर एक्सेस, और वैल्यू सी निकालनी है जो कि दो फोकस के दरमियान डिस्टेंस होता है और उसकी लेंथ टू सी के बराबर होती है। इन शॉर्ट के जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे और ये इलिप्स आपको गिवन थे, इन दोनों को कंपेयर किया तो ए स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, बी स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, और आपके पास रिलेशन है जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, तो सी आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर 5, और यहाँ से ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 और बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब क्वेश्चन आपके पास क्या पूछे जा सकते हैं, आपको ये इक्वेशन दे दिए, वो पूछ सकता है व्हाट इज द फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ कैलकुलेट करने के लिए वर्टिसेस फाइंड आउट करें, को वर्टिसेस फाइंड आउट करें, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करें, डायरेक्ट्रिसेस क्या है इसका, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम में, और अगर आपसे कुछ भी पूछे जाए, सारे पूरे टाइम नहीं पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है एमसीक्यू में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अगर फोकाई पूछा जाता है तो आपको जहन में आना चाहिए कि आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स को डिस्कस कर रहे हैं या वर्टिकल इलिप्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो जो स्केच हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, वो सारे का सारा आपके जहन में आ जाना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स में आपके पास जो फोकस होता है वो प्लस माइनस सी होते हैं और जीरो होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ड्रा करूँ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये आपके पास यहाँ पे आपके पास फोकस आ जाएंगे, ये आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे, और ये आपके पास को वर्टिसेस आ जाएंगे। तो देखिए फोकाई आपके पास प्लस माइनस सी, यू हैव अ वैल्यू ऑफ सी व्हाटएवर एंड यू विल गेट द आंसर, तो योर क्वेश्चन है सॉल्व। वर्टिसेस प्लस माइनस ए जीरो, आप देख क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो वर्टिसेस आपके पास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और वाई कंपोनेंट्स का जीरो होगा, तो प्लस माइनस ए जीरो, वी हैव वैल्यू ऑफ ए सो यू शुड पुट ए एंड यू विल गेट प्लस माइनस 3 0। फॉर को वर्टिसेस यू शुड नो अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द को वर्टिसेस, जीरो प्लस माइनस बी, ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बी दैट इज प्लस माइनस 2, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें आपके पास को वर्टिसेस आ जाएगा। इफ एसेंट्रिसिटी आस्क व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, सो यू जस्ट कैलकुलेट ई इज इक्वल टू सी ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एंड रिमेंबर वन थिंग, एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव, इट नेवर बी नेगेटिव, सो यू कैन सी हियर I take the value of C positive, I take the value of A positive as well. So it becomes square root 5 by 3. Directrices, X is equal to plus minus A, put the value of A, put the value of E, you will get plus minus 9 or square root 5. If in the exam ask about the length of the latus rectum regarding to this ellipse, so you just put the value of B and A in this term, and you will get the value of the length of the latus rectum, parametric form. For horizontal ellipse, you know that what is the parametric form, x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, just put here value of a and value of b, and you will get the parametric form for this ellipse. Thank you.